वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजीव नंबियार। कैसे आप सब लोग? आज मैं आपके लिए लाया हूँ नया टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो है फ्रिज एंड वॉशिंग मशीन। अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल में आए हो तो प्लीज़ व्यू के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों चलो अपन स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक फ्रिज एंड डबल डोर सीरीज। ओके दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि अभी गर्मी आ चुकी है, लोगों के फ्रिज में सामान भरना चालू हो चुके हैं। मोस्टली क्या होता है कि फ्रिज में जो भी आप, जैसे मान लीजिए आप सिंगल डोर की अगर मैं बात करूँ, सिंगल डोर में आप जैसे कोई टेबल फूड रखते हैं तो कुछ एक हफ्ते में या तीन चार दिन में उसमें मॉइस्चर नमी आके पूरा ख़राब होने लग जाता है। उसके कारण क्या है, क्यों ये ऐसा होता है? तो सिंपली रीज़न ये है कि आपको जो वेजिटेबल्स हैं उसमें मिड लो हाई ये कंट्रोलिंग होता है। आप गर्मी के टेम्परेचर के हिसाब से उसमें आप एयर पास आउट कर सकते हो, मतलब वो टाइप उसको आप कर सकते हो कि लो मीडियम हाई, उसके हिसाब से वेजिटेबल्स में एयर जाएगा, वो फ्रेशनेस बनी रहेगी। और जहाँ तक कि फ्रूट्स की बात है तो फ्रूट्स आपको कम से कम 3 से 4 दिन के अंदर उसका यूज़ कर लेना चाहिए, जिससे उसमें मतलब मॉइस्चर नमी नहीं आए, वो ख़राब ना हो जाए। ठीक है, अगर हम डबल डोर की बात करते हैं तो दोस्तों उसमें होती है यूनिफॉर्म कूलिंग, जो हर एक डेक में अपनी अलग कूलिंग मेंटेन करता है। इस वजह से सिंगल डोर की कंपेरिजन में डबल डोर में फ्रूट्स थोड़ा 3-4 दिन और फ्रेशनेस बनी रहती है। और हम बात करें कि सिंगल डोर अच्छा है कि डबल डोर, तो दोस्तों दोनों के अपने अपने यूज़ अच्छे हैं। सिंगल डोर का मतलब है डायरेक्ट कूलिंग, वो डायरेक्ट कूल करता है मतलब, और डबल डोर की बात करें तो वो फैन के अकॉर्डिंग कूल करता है मतलब। और फास्ट कूलिंग की बात करें तो डायरेक्ट कूल मतलब सिंगल डोर जो रेफ्रिजरेटर है आपका फ्रिज में फास्ट कूलिंग होगी आपको, और जो डबल डोर है उसमें फ़ैन के थ्रू कूलिंग होती है। हालांकि वो चीज़ भी अपनी जगह बेटर है। और आपको एक फ़ायदा ये मिलता है डबल डोर में कि उसमें आपको डिफ्रॉस नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिक डिफ्रॉस होता है। और जहाँ तक सिंगल डोर की बात करते हैं, आपने ध्यान दिया होगा कि फ्रीजर के चारों तरफ आइस का फॉर्मेशन जम जाता है। वो क्यों जम जाता है? क्योंकि आप उसको हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते बहुत लंबा टाइम तक के लिए खींच देते हो, उससे क्या होता है आइस फॉर्मेट बन जाता है। फिर आप डिफ्रॉस के लिए बटन दबाते हो, पूरा पानी ट्रे में आता है और ट्रे से जस्ट आपके फ्रिज के अंदर भी चले जाता है। इसलिए आपको एक हफ्ते में 3 बार डिफ्रॉस करना है, वो भी जब जब आपको लगता है कि आपके सिंगल डोर फ्रिज के अंदर आइस फॉर्मेट ज़्यादा बन रहा है, उस टाइम आपको डिफ्रॉस करना है। और अभी का जो टेम्परेचर है तो आपको 2 से 3 के टेम्परेचर में सेट करना है आपका नॉब, कूलिंग नॉब। वही चीज़ डबल डोर में कहूँगी, उसके अंदर क्या होता है, हीटिंग एलिमेंट होता है जो एक्स्ट्रा फ्रॉस जमे नहीं था फ्रिज के अंदर, जहाँ पर आपने पानी रखा वहीं बर्फ जमता है। इसलिए फ्रेंड्स अपने फ्रिज का टेम्परेचर प्लस कूलिंग सेट अप मीडियम में करें, 3 से 4 के बीच में, बाकी गर्मी के हिसाब से या टेम्परेचर के हिसाब से आप उसको सेट कर सकते हो। आई होप दोस्तों मेरी दी हुई जानकारी आपको कहीं ना कहीं यूज आ जाएगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड शेयर। थैंक यू। जय हो, वंदे मातरम।